क्या तुम अपने इस कंटेंट को आखिरत में अल्लाह के आगे पेश कर सकते हो? जो भी तुमने किया, जो भी तुमने कंटेंट क्रिएशन किया है, और तुम्हारे कंटेंट के ऊपर लोग जो हैं वो रोए भी होंगे, उनकी तफरी भी हुई होगी, तुम्हारे कंटेंट के साथ तुमने नाम भी कमाया, काम भी कमाया, सोशल मीडिया या तो क्यामत के दिन हमारे खिलाफ बोल रहा होगा या हमारे हक में बोल रहा होगा। मैं आज सब लोगों के बारे में एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। भाई इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, बड़े बड़े कोचेज हैं, बड़े बड़े जो है वो कंटेंट डेवलपर्स हैं सोशल मीडिया के, इनसे पूछा जाए ना भी तुम्हारे कंटेंट से लोग हंसे भी हैं, तुम्हारे कंटेंट पे लोगों को मज़ा भी आया होगा, उनकी तफरी भी हुई होगी, और तुम्हारे कॉन्टेंट के ऊपर लोग जो हैं वो रोए भी होंगे, तुम्हारे कंटेंट के साथ तुमने नाम भी कमाया, काम भी कमाया, क्या तुम अपने इस कंटेंट को आखिरत में अल्लाह के आगे पेश कर सकते हो? जो भी तुमने किया, जो भी तुमने कंटेंट क्रिएशन किया है, क्या तुम इसके साथ इस्लाम की वो शरीयत जिसके साथ अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था, तुम अपने इस कंटेंट के साथ जिसमें म्यूज़िक भी हो, जिसमें नामहरम औरतें भी हों, जिसमें गंदे मजाक भी हों, कमा लिया तूने शोहरत तो कमा ली दुनिया में, पैसा भी बना लिया होगा मोनेटाइज करके। पॉइंट ये है कि भाई तू अपने इस कंटेंट को जो तू बना के आगे है सामने आखिरत में पेश कर सकता है अल्लाह के आगे? अल्लाह के सामने जो तूने बातें कर दी हैं मशहूर होने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए या पैसा बनाने के लिए, उस कॉन्टेंट को अल्लाह के आगे रख सकता है तू? जस्ट बेसिक क्वेश्चन, अगर ये बात किसी इन्फ्लुएंसर तक भी जाती है तो वो सोचे। तो हमने तो सुन, अब पॉइंट ये कि सुन लिया ना काफ़ी कुछ, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा इन चीज़ों से। सुकून मिलता है उस लाइन ऑफ एक्शन से, उस कॉज के लिए काम करने से जो आपकी ज़ात से बड़ा हो, और वो इल्म है, और इल्म के साथ ही वो सुकून और सेरेनिटी आती है। और भाई इस एरिया को भी पूरा करना है आपने, सोशल मीडिया या तो क़यामत के दिन हमारे खिलाफ बोल रहा होगा या हमारे हक में बोल रहा होगा। हुज्जतुन लका व हुज्जतुन अलैक, या आपके अगेंस्ट ये एक दलील होगी या आपके लिए एक दलील होगी। तो आपने इसको कैसे अचीव करना है, इट मैटर्स। तो अब तो हमने आपके लिए आसान कर दिया, तो भाई टेक अ स्टार्ट ऑफ योर लाइफ और जाने कि अल्लाह ने हमें कहा क्या है, मुराद क्या है अल्लाह की। इतनी हदीसें हैं, इतना बड़ा कुरान है, तो व्हेन आर यू गोना टेक अ स्टार्ट ऑन दिस।